हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं एसके ऑटो केयर पे हूँ एंड वी गोइंग टू डिस्कस सम थिंग्स अबाउट एबीएस मोटर, वेदर इट कैन बी रिपेयर्ड और नॉट, वेदर इट कैन बी स्वैप्ड 2019 एंड 18, स्वैप कर सकते हैं कि नहीं, मतलब पुरानी डोमिनार और नई डोमिनार में स्वैप कर सकते हैं कि नहीं। तो ये सब चीज़ें मैं आपको अभी पूरा एक्सप्लेन करूँगा। दिस इज अ 2019 ऑनवर्ड्स डोमिनार एंड ये वाली जो है 2017-2018 वाली डोमिनार है, मतलब ये 35 BHP वाली है, ये 40 BHP वाली है। दोनों के ABS मोटर काफ़ी अलग है। ये है 19 की मोटर, ओके, और ये है 17-18 की मोटर। तो इसके पाइप्स जो हैं ये साइड से निकलते हैं, मोटर स्टैंडिंग पोजीशन में है, ये मोटर स्लीपिंग पोजीशन में, इसका सब पार्ट्स आगे हैं एंड पाइप्स इसके अलग है। इसके सॉकेट्स भी अलग होते हैं, इसके सॉकेट्स भी अलग होते हैं। तो इसकी मोटर जो सस्ती है आप इसमें नहीं डाल सकते, दिस वन इज़ एक्सपेंसिव मोटर एंड यू कैनॉट पुट दैट मोटर इन दिस वन फॉर ऑब्वियस रीजन। सॉकेट्स अलग है, माउंटिंग पॉइंट्स अलग है, पाइप के लोकेशंस वगैरह सब अलग हैं, ओके। सो दैट इज़ वन रीजन इफ योर ABS मोटर इज गॉन यू कांट स्वैप देम। बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। व्हेनेवर योर ABS लाइट इज स्टिल ऑन इन द डैशबोर्ड आफ्टर यू स्टार्ट राइडिंग, अगर आप रुके हुए हैं तो लाइट ऑन रहती है। एज सून एज यू स्टार्ट राइडिंग, एज सून एज यू क्रॉस 5 or 10 kilometers, आपका वो लाइट जो है वो बंद हो जाता है। अब नॉर्मल कंडीशन में बंद हो जाता है, अगर कुछ ख़राब हो गया है और बंद नहीं हो रहा है तो देन यू नीड टू चेक। फर्स्ट थिंग इज़, मैं सीरियली नहीं बता रहा हूँ, रैंडमली बता रहा हूँ। तो ये जो आपका रिंग है, दिस इज़ ABS सेंसर रिंग, ये चेक करनी पड़ती है। अगर ये कहीं पे बेंड हो गई है ना टायर चेंज करते समय, या पत्थर वत्थर लगने से, या कुछ अटक जाने से, या फिर ये कभी कभी ये बोल्ट्स लूज हो जाते हैं, तो ये रिंग जो है वो बेंड हो जाती है, तो ये आपको चेक करना होगा। कभी कभी ये यू नो ठोक ठाक के फ्लैट करके ठीक हो जाती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होती है, क्योंकि एक बार डिफॉर्म हो गया तो इट डजंट गेट बैक टू इट्स ओरिजिनल स्पेस। तो एडवाइस यही रहेगा कि अगर ये रिंग ख़राब हो गई है फ्रंट की या फिर बैक की, ये ऐसी रिंग फ्रंट में भी आती है, तो अगर रिंग ख़राब हो गई है, बेंड हो गई है, तो आइडियली रिप्लेस इट। नहीं है तो ठोक ठाक के टेम्प्रेरी चल जाएगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं चलता है। सेकेंड थिंग, देर इज़ अ सेंसर हियर, ओके, इसमें मैग्नेट रहता है सेंसर पे। मैंने बहुत टाइम पहले एक वीडियो बनाया था कि अगर सेंसर पे भी कचरा आ जाता है तो सेंसर और इसके जो ये रिंग है और ये मैग्नेटिक सेंसर है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है एंड उसकी वजह से इनकरेक्ट सेंसर्स आते हैं, इनकरेक्ट रीडिंग्स जाते हैं सेंसर को, एंड देन योर ABS लाइट स्टार्ट्स मैलफंक्शनिंग। तो क्या करना है, ये 8 नंबर का बोल्ट खोलना है, सेंसर क्लीन करके वापस लगा देना है। अगर उस बाइक या किसी और बाइक का सेंसर खोलते हैं तो मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। थर्ड थिंग इज, यहाँ पे ABS का फ्यूज़ रहता है, ओके। अगर ये जो ABS लिखा हुआ है इधर, ABS EM जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ओके, ये फ्यूज़ उड़ जाता है, तो ये अगर उड़ गया रहेगा तो ये रिप्लेस करने से भी ABS स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन डायरेक्टली रिप्लेस करके कुछ मतलब नहीं है, इट कैन ब्लो अप अगेन। ये कब उड़ता है, जब आपकी ये जो ABS की वायर है, ओके, ये कभी कहीं से कट हो जाए, अगर बैक पे भी रहती है और फ्रंट साइड पे भी ABS की वायर रहती है, लेट मी शो इट टू यू, दिस वन, ये वायर भी रहती है, ये कभी स्ट्रेच होके यू नो अटक के अगर टूट जाती है या फिर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो आपका फ्यूज़ उड़ जाएगा। तो ठीक है, फ्यूज़ उड़ गया तो फ्यूज़ रिप्लेस करने से पहले ये चेक कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया नंबर 3। नंबर 4 यही है आपका ABS का केबल। योर ABS केबल इफ इट इज़ गॉन बैड, यू नीड टू रिप्लेस इट, कहीं से कट आ गया है, पुराना हो गया है, तो यू नीड टू रिप्लेस द केबल, इधर फ्रंट और बैक, यू हैव टू रिप्लेस इट एंड देन ओनली योर ABS विल स्टार्ट वर्किंग। नाउ ये सब थी छोटी मोटी चीज़ें, स्मॉल स्मॉल थिंग्स। बिगेस्ट वन इज द ABS मोटर। आइडियली यू नीड टू गेट द ABS मोटर रिप्लेस इफ इट इज़ गॉन बैड, बट इफ़ यू कम डाउन एट SK ऑटो, अगर आप SK ऑटो केयर पे आते हैं तो देर आर चांसेस ऑफ गेटिंग इट चेक। दिस इज द सेंसर दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट, ये 8 नंबर का आपको नट यहाँ से निकालना है, इसके साथ सेंसर बाहर आ जाएगा एंड ये सेंसर देखो काफ़ी गंदा है, बट इस पर अगर मेटल कुछ अटका हुआ है तो इट विल स्टॉप, इट विल नॉट गिव द करेक्ट रीडिंग्स, और गलत रीडिंग्स जाने की वजह से ABS मैलफंक्शन लाइट ऑन रहेगा। इसको अच्छे से क्लीन करके, अच्छे से क्लॉथ से क्लीन करके आपको सिर्फ वापस लगा देना है।
ये अभी सेंसर मैंने क्लॉथ से क्लीन कर लिया है और अभी ये वापस लगा लेंगे। इस बाइक को सेंसर का इश्यू नहीं है, बट फिर भी आपको मैंने एज एन एग्जाम्पल निकाल के बता दिया। अभी इसको वापस फिट कर देंगे और खोलते समय और बिठाते समय इसको ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, ओवर टाइट नहीं करना है। प्लास्टिक का पार्ट है, टूट जाएगा। बात आपको बता दूँ, जब आपका मोटर का मैलफंक्शन है तो यूजुअली लाइट कब लगती है? वंस यू स्टार्ट राइडिंग एंड वंस यू अप्लाई द ब्रेक, देन द एबीएस लाइट विल ट्रिगर ओवर हियर, विच मीन्स दैट एबीएस मोटर हैज मैलफंक्शन। ये 17 and 19 ऑनवर्ड्स दोनों में ऐसे ही बताता है कि वंस यू स्टार्ट राइडिंग एंड देन यू ब्रेक, कोई भी एक ब्रेक दबाते हो एंड वो एबीएस किक इन नहीं हो रहा है, तब वो लाइट लगेगी, विच मीन्स योर मोटर इज गॉन बैड। एबीएस मोटर पार्शली बाहर आ गई है, इसके सॉकेट्स वगैरह आपको निकालने पड़ेंगे, सेपरेट करना पड़ेगा सर, सॉकेट का पार्ट एंड मेन मोटर वायरिंग एंड मेन मोटर सेपरेट करना पड़ेगा। अभी सेपरेट हो रहे हैं सब नट बोल्ट्स, इसके माउंटिंग पॉइंट्स वगैरह सब सेपरेट कर लेना है, ठीक है, दोनों को अलग कर लेना। हाँ, तो ये अभी ऊपर का इस साइड पे मोटर है वो खोल रहे हैं, इसको बहुत छोटे बोल्ट्स होते हैं वो आपको खोलने पड़ते हैं, इसको भी स्पेशल एक स्पैनर लगता है विच इज़ नॉट अवेलेबल विथ एवरी वन। इट्स शेप ऑफ द बोल्ट है ना, काफ़ी अलग है, ये फोकस नहीं करेगा, सॉरी माई कैमरा इज़ नॉट फोकसिंग। मोटर इज़ कम्प्लीटली सील्ड, तो आपको इसको थोड़ा सा ना जो रबर पार्ट है वो एक्सट्रैक्ट करके, इसको डिग इन करके क्लीन करके, देन ये और ये सेपरेट होगा। अब सेपरेट हो गया है मोटर का कवर एंड द मेन मोटर, इसमें एक छोटा सा बेयरिंग रहता है इस साइड पर, और बाकी इसका आर्मेचर यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इसका आर्मेचर है। तो ये आर्मेचर भी सेपरेट किया, ये सबको ओवरऑल कर देंगे एंड ये आर्मेचर का ये जो पॉइंट है दिस साइड, दोनों पॉइंट्स ये इसके अंदर जाते हैं, इसके अंदर ज़्यादा कुछ आप रिपेयर नहीं कर पाते बिकॉज ये सब वायरिंग बेयरिंग सब इधर स्टॉक यू नो लाइक अटका हुआ रहता है, सील्ड है कम्प्लीट, अटका हुआ है, कम्प्लीटली सील्ड है, इसको आप ज़्यादा खोल नहीं पाओगे, अगर खोल दोगे तो कभी जोड़ नहीं पाओगे, आउट ऑफ एक्सपेरिमेंट सिर्फ खोलना है तो खोल लो लेकिन कभी जोड़ नहीं पाओगे, नया लेना ही पड़ेगा। ये इतना ही खोल के ओवरऑल करके वापस इसको अभी असेंबल कर लेंगे। सो मोटर हैज़ बीन कम्प्लीटली ओवरऑल पेट्रोल से साफ कर दिया, क्लीन कर दिया, डस्ट निकाल दिया, सब चकाचक क्लीन हो गया एंड नाउ विल बिगिन द असेंबली प्रोसेस। Assembling the ABS motor, I don't know how much voice was clearly recorded earlier. इसको पूरा ओवरऑल कर दिया और अभी सीलेंट बिलेंट लगा के इसको असेंबल कर रहे हैं। असेंबल नट बोल्ट टाइट होने के बाद इसको बाइक पे वापस असेंबल कर देंगे एंड देन चला के चेक करेंगे whether the ABS light comes while braking or not. अगर चलाते समय ABS light नहीं आई मतलब the work is successful. ये खोल दिया मतलब हर बार ऐसे ज़रूरी नहीं है कि 100% लाइट चली जाएगी और 100% वर्किंग शुरू हो जाएगा और 100% सॉल्व हो गया, ऐसे नहीं है। ये एक सिर्फ आप चांस ले रहे हो कि थोड़े से पैसे नहीं, काफ़ी पैसे बचा के एक दो बार, एक बार खोल के आप चांस ले रहे हो कि कुछ दिनों के लिए मोटर का काम एक्सटेंड हो जाए। मोटर बीइंग असेंबल्ड बैक, वापस डाल रहे हैं, एक एक पाइप आराम से सील के साथ डालेंगे, ये डालने में घाई नहीं करने का बिकॉज फिटिंग अगर थ्रेड मैच नहीं हुए स्ट्रेट, ऐसे टेढ़ा वगैरह बैठ गया तो ऑयल विल स्टार्ट लीकिंग फ्रॉम देयर एंड योर ब्रेक्स विल फेल। सो बॉयज हैव फिनिश्ड असेंबलिंग द बाइक, पूरा सर्विस भी हुआ है, कौन सेट भी चेंज हुआ है, बट हमको मेन टेस्ट करना है एबीएस की लाइट लग रही है कि नहीं। ओके, सो छोटा सा एक टेस्ट राइड लेंगे, ब्रेक मार के देखेंगे कि लाइट चालू हो रहा है कि नहीं। ओके, एबीएस लाइट इज़ ऑन, जैसे ही चलाऊंगा लाइट बंद हो जानी चाहिए, दैट मींस नो अदर पार्ट हैज़ मैल फंक्शन, मतलब एबीएस रिंग बेंड नहीं है, एबीएस वायर टूटी हुई नहीं है, कुछ नहीं है। ओके, ये चलाना शुरू किया, लाइट बंद हो गई एंड ब्रेक मारने पे देयर शुड बी नो लाइट अगेन। पीछे से कार आ रही है और ये मारा मैंने ब्रेक, ओके गाड़ी रुक गई, एबीएस की लाइट ऑन
नहीं हुई है। आई होप गोप्रो में क्लियर रिकॉर्डिंग हो रहा है, बिकॉज़ गोप्रो में काफ़ी छोटा दिखता है सब कुछ यूजुअली। सो इफ़ देर इज़ नो ABS लाइट विच मीन्स कमिंग इन, विच मीन्स द मोटर वर्क, मोटर ओवरऑल इज़ सक्सेसफुल एंड दिस पर्टिकुलर कस्टमर शुड बी हैप्पी। फिर से ब्रेक, कंप्लीटली स्टॉप एंड नो ABS लाइट। सो जस्ट टू समराइज, अगर आप पुणे के आसपास हो, मुंबई के आसपास हो, यू कैन कम एट SK ऑटो केयर एंड गेट योर ABS मोटर ओवरऑल्ड। एंड आई थिंक लेबर इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1800 के आसपास का तो लेबर है आज के तारीख में, आगे पीछे बढ़ भी सकता है जितना काम है उसके हिसाब से। एंड एक बार एटलीस्ट आप ट्राई कर सकते हो इफ़ यू वॉन्ट कि ABS मोटर फर्स्ट टाइम रिपेयर हो रही है कि नहीं। अगर नहीं होती है तो ब्रांड न्यू डाल दो, अगर हो जाती है तो वेल, जितने दिन चलता है आपको एटलीस्ट उतने में फ़ायदा हो जाता है आपके। इसका ABS का कॉस्ट, मोटर का कॉस्ट आई थिंक इज 22,000 एंड 19 का कॉस्ट कुछ शायद कम है, बट एटलीस्ट आपके 22,000 कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ किलोमीटर्स के लिए बच जाएंगे। सो कुछ सवाल आपके हो तो बता देना मुझे, कमेंट्स में पूछ लो। एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा। I don't wanna know her, I just wanna breathe. You take me higher, you stay close to me.